इकोनॉमिक चैनल की तरफ से आप सब लोगों के लिए गुजारिश ये है कि जैसे हम लोग जनता कर्फ्यू को फॉलो करें हैं और लॉकडाउन को फॉलो करें हैं, उसी तरह हम अप्रैल 30 तक के जो 2 वीक्स एक्सटेंशन हुआ है उसी तरह हम लोग फॉलो करेंगे। प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन क्योर होता है। जैसा कि हम लोग जनता कर्फ्यू में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें हैं और लॉकडाउन में भी मेंटेन करें हैं, मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना हम लोग इम्प्लीमेंट करें, उसी तरह ये सारी चीज़ों से हम प्रिकॉशन लेकर इस वायरस को ख़त्म कर सकते हैं। जैसा ग्लव्स पहनकर, मास्क पहनकर हम लोग सोशल डिस्टेंस रखकर गैदरिंग की जगह नहीं जाएंगे, हम लोग जो ये वायरस का चैन है इसको ख़त्म कर सकते हैं सोशल डिस्टेंस से और मास्क पहनने से, ग्लव्स पहनने से। जो परचेजिंग के हम लोग जाकर परचेस करते हैं खाने और इस्तेमाल करने की चीज़ें, और जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उसको लाकर हम लोग वॉश करेंगे, उसके बाद हम लोग वो फ्रूट और वेजिटेबल्स को इस्तेमाल करेंगे। वॉश करने के बाद हम लोग उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उस जो बाहर से हम परचेस करते हैं उसको वॉश करके यूज़ करना ही बेहतर रहता हमारे लिए, क्योंकि वायरस आने के चांसेस रहते हैं। बाहर हम लोग परचेस करने के लिए जाएंगे, गैदरिंग रहेगा, हम लोग मेंटेन करेंगे कि 1 किलोमीटर डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और हम लोग सेफ़ रहेंगे और हमारी फैमिलीज़ को भी सेफ़ रख सकते हैं जो प्रिकॉशन हम लोग यूज़ करने से, जो प्रिकॉशंस हम लेने से। प्रिकॉशन इज़ द बेटर दैन क्योर है। हम प्रीवियस इसके अंदर भी हम जनता कर्फ्यू में भी देखे हैं, लॉकडाउन में भी देखे हैं, लॉकडाउन और 2 वीक्स तक एक्सटेंड हुआ है, इसी तरह हम लोग इस वायरस को ख़त्म कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।